तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहते हैं। कि इसमें बेसिकली यही है कि देखो, अगर पार्टिकल है फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, अगर एक पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है, इनिशियल स्पीड यू आपको दिया है 15 मीटर, 15 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, विथ वॉट स्पीड इट मूव इन द इंटर स्पेस, मतलब जो इंटर स्पेस है मतलब इन्फिनिटी पे जाके जहाँ पर गर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लगभग 0 हो जाएगी, वहाँ कितनी स्पीड से चलेगा? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है अर्थ पे, इसके वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ पे? इसके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड यू है वो इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है भाई। तो इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है तो अब क्या होगा भाई? तो इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है तो ये पार्टिकल इन्फिनिटी को पहुँच जाएगा। इन्फिनिटी को तो जाएगा ही जाएगा भाई, ये तो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से मैंने इस पार्टिकल को फेंक दिया तो ये कहीं गया होगा ऐसे इन्फिनिटी को। तो अगर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर यू ग्रेटर देन इसके वेलोसिटी है, यू की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है, इसके वेलोसिटी क्या थी? इसके वेलोसिटी वह थी जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती थी और पोटेंशियल भी 0 हो जाती थी, समझ रहे हो? तो अभी जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी उसी एनर्जी से यहाँ पे ये चल रहा होगा, तो इन्फिनिटी पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, बिकॉज जो है पार्टिकल की स्पीड इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है और इसके वेलोसिटी के बराबर होगा, यू बराबर होगा इसके वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होगी और पोटेंशियल तो 0 होगी होगी, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी विल बी नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल तो 0 होगी होगी, और अगर वेलोसिटी लेस देना इसके वेलोसिटी से तो पार्टिकल रिटर्न आ जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे पहुंचेगा ही नहीं। तो ये तीन केस होता है अभी इन्फिनिटी पे। तो कुछ नहीं करना है इस प्रॉब्लम में, बेसिकली इस पॉइंट ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देना है। तो चलो, यहाँ पर घूम रहा होगा पार्टिकल, यहाँ पर घूम रहा होगा, मूव कर रहा होगा, उसकी स्पीड मान लेता हूँ वी डैश। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी, मतलब इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी। तो इस इन्फिनिटी पे देखोगे तो मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल माइनस जी एम एम ओवर आर, और इन्फिनिटी पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से हमें एम कैंसिल हो गया, ये एम इसका कैंसिल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स जी एम ओवर आर इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी, वी डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी यू स्क्वायर -2 जी एम कैपिटल आर अंडर रूट, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ये वही स्पीड है जब पार्टिकल इन्फिनिटी पे मूव कर रहा है, स्पीड एट इन्फिनिटी, स्पीड एट इन्फिनिटी मतलब इंटर स्पेस में मूव कर रहा है इतनी स्पीड से। तो चलो अब सबकी वैल्यू रख देते हैं भाई, तो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर -2 टाइम 6.67 × 10^11 -11, और मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ 6 × 10^24 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस कितना लूँ भाई? तो अर्थ की रेडियस यहाँ पे ले ले लेते हैं 6400 किलोमीटर और 10^3 मीटर, ये सब कुछ पूरा का पूरा अंडर रूट रहेगा, बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे ये मैं मीटर में ही निकाल लेता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों। तो ये जो है मैं किलोमीटर में ही निकाल लेता हूँ कितने किलोमीटर स्पीड से मूव कर रहा है। तो फाइनली जो वी डैश की वैल्यू आ जाती है वो भी फाइनल है एट इन्फिनिटी, 10 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा पार्टिकल, जो कि एक अच्छा खासा स्पीड है। तो आई होप कि आपको दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों, हमारे साथ बने रहो और आपका सपोर्ट और प्यार हमें बहुत ज़रूरत है बच्चों।